मुरैना जिला मुख्यालय से 60 किलोमीटर की दूरी पर महादेव मंदिर काफी चर्चित है। यहाँ मनोकामना पूर्ति के लिए लोग पूजा अर्चना करते हैं। वहीं कई श्रद्धालुओं का कहना है कि उन्होंने जो मांगा था वो पूरा भी हुआ है। सावन में सभी सोमवार के साथ सावन की पूर्णिमा और महाशिवरात्रि को कांवड़ मेला लगता है। ग्रामीण बताते हैं कि ये मंदिर मुगल काल से पहले का है। मुगल शासन काल में जब औरंगजेब की सेना मंदिरों को खंडित कर रही थी तब इस मंदिर पर भी हमला किया गया था। तोप का एक गोला भी दागा था जो मंदिर की दीवार पर लगा और उसका निशाना बन गया था जो अब भी दिखाई देता है। कुछ समय के लिए मंदिर भी एक ओर झुक गया था। पुजारी के अनुसार उनके दादा बहुत समय पहले यहाँ पुजारी के तौर पर पूजा अर्चना करते थे। यहाँ एक नाग नागिन का जोड़ा आता था, वो उनके लिए दूध रखते थे। एक दिन भूल गए तो ये जोड़ा फिर कभी नहीं आया। सोमवार को महादेव मंदिर पर दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। मैंने बचपन से मंदिर देखा है, यहाँ पे बहुत सालों से आते सब लोग। ये बहुत साल पुराना, मैंने बचपन से देखा है। आस्था क्या रहती है, क्या यहाँ पे भगवान की शिव आराधना? यहीं बैठी रहो, यहीं बैठी। यहाँ पे हर एक इंसान की मनोकामना पूरी होती है, सबकी इच्छाएं पूरी होती हैं, इसलिए सब लोग मानते हैं बहुत मंदिर को। हूँ महुआ, जो मुरैना मुख्यालय से 60 किलोमीटर दूर है। यह जो मंदिर है वो 8वीं शताब्दी का यहाँ के लोग बताते हैं। और इसका इतिहास ये भी है कि जो उस समय जो औरंगजेब का शासन था उस दौरान उसने इस मंदिर को ध्वस्त करने की कोशिश की। तो यहाँ के लोग बाग कह रहे थे कि जैसे ही इस मंदिर के लिए तोड़ने के लिए बढ़े तो उनकी जो फौज थी वो अंधी हो गई थी और उससे वहां से लौटना पड़ा। लेकिन उसे जाते जाते उसमें एक मंदिर को ध्वस्त करने के लिए गोला दागा गया। वो गोला का निशान आज भी उस मंदिर में बना हुआ है। यहाँ के लोगों की जो आस्था है इस मंदिर के प्रति बहुत अधिक है। हर श्रावण मास में यहाँ पर लोगों की भीड़ देखी जाती है पूजा अर्चना के लिए। यहाँ पर लोग अदर स्टेट जैसे उत्तर प्रदेश और राजस्थान और भी मुरैना जिले के कई तहसीलों से लोग यहाँ पर आते हैं। यह धाम बहुत ही अच्छा धाम है और यहाँ पर लगातार देखा जा रहा है कि भक्तों की यहाँ पर महिलाएं हैं या मनुष्य हो या कोई भी हो या बालक हो, सभी लोग यहाँ पर पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं। अभी मैं बताना चाहूंगा यहाँ हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे ये जानने का प्रयास करते हैं कि इस मंदिर का इतिहास क्या रहा है। आपका नाम क्या है? रामवरण सिंह वैस। जी जी, मंदिर कितना पुराना है और इसका इतिहास क्या रहा है? ये मंदिर 8वीं सदी का है और मेन मंदिर यही है। उसके अलावा नए निर्माण कराए गए मंदिरों के 26 बीघा की बाउंड्री है। इसमें कुछ किंवदंती भी बताई जा रही है, जैसे कि औरंगजेब के शासनकाल में इस मंदिर को ध्वस्त करने का प्रयास किया गया था, तो किस तरह की जो पुरानी चर्चाएं हैं? हाँ, तोड़ने की कोशिश की थी उसने, फौज अंधी हो गई थी, वहीं से तो गोला मारा, मंदिर कोई क्षतिग्रस्त नहीं हुआ। आज ही मठिया में निशान बना हुआ है। तो कुछ ये भी बता रहे हैं कि जैसे ही मंदिर का जो गोला दागा था उस समय जो भगवान शिव की जो पिंडी है उससे ब्लड निकलना शुरू हो गया? नहीं, ऐसा कुछ ऐसी कोई बात नहीं है। ब्लड व्लड करने नहीं आया इतिहास में ऐसा कुछ का गोला है। जैसे इस समय सावन मास का महीना चल रहा है, यहाँ पे लोग पूजा अर्चना के लिए आते हैं, तो क्या यहाँ के लोगों की मन्नत है, क्या आस्था रहती है इनकी? सबकी मनोकामना पूरी होती है और उसके अनुसार और लोग आते हैं, क्षेत्र के लोग आते हैं, बाहर के लोग आते हैं। यहाँ कोई खाली नहीं जाता, सबकी मनोकामना बाबा पूरी। यहाँ पे कोई मेले का कोई आयोजन? मेला इसमें मौर छठ का मेला लगता है, दूल्हा दुल्हन की शादी कराई जाती है, तालाब है उसी में मौर सिराए जाते हैं। ये मौर छठ का मेला बहुत प्रसिद्ध मेला, 8-10 हजार लोगों की भीड़ होती है। और हमारे साथ कुछ और भी हैं, उनसे भी अपन जानने का। दादाजी, इस मंदिर का कोई ऐसा इतिहास, इस प्रतिमा की कोई चमत्कार क्या हुआ है, कैसा कुछ आपके कहने सुनने में आया हो? चमत्कार तो यही हुआ है, किसी ने मान लो जैसे कोई भी काम करा तो उसका काम होता रहा है साहब, और कई एक ऐसे कामर कांड भी हुआ तो उसमें भी सब विजय जो है भगवान भोलेनाथ ने अपने धर्म के लिए रक्षा को सब कुछ अपनी वो करी। मान लो एक भक्त ने शिव की बोले नहीं चाहिए परीक्षा और फूलों से ढकने का प्रयास किया गया, तो क्या तो वो मान लो पिंडी उछरी रही जैसे, वो डूब नहीं पाई, कुछ को ढक नहीं पाया और वो बढ़ती चली गई।
फूल हर रोज कितने फूल लेके कितने बढ़ा के लेके फूल लेते आते थे मान लो किसी दिन 10 किलो किसी दिन 5 किलो किसी दिन 20 किलो तो मान लो जितनी कैपेसिटी उसकी बढ़ाई तो वो मान लो शिवलिंग ऊपर ही नजर आता रहा वो डूब नहीं था। और भी इसका कोई इतिहास रहा है? इतिहास बस यही है साहब कि मान लो ये करो है मान लो औरंगजेब ने जो गोला दावो तो ये देखा था ये वो गोला धीरे धीरे पुरता चला आया जैसे घाव होता है उस तरीके से ये पुर रहा है साहब। हाँ देखा आपने इस मंदिर के प्रति यहाँ के लोगों की जो आस्था है जो भाव है बहुत अधिक है और यहाँ पर जो भी भक्त जन इनकी पूजा अर्चना के लिए आता है तो उनकी जो मनोकामना है वो पूर्ण होती है। इसलिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि भक्तों का जो तांता लगा हुआ है और लगातार यहाँ पर जो शिव की पूजा की जा रही है और यहाँ पर हर सोमवार या सावन के महीने में कांवड़ भी चढ़ाई जाती है कि लोगों की यहाँ पर इस मंदिर के प्रति जो आस्था है वो पूरी होती है और उनकी जो मनोकामनाएं हैं वो पूरी होती हैं। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, मैं हूं विनोद सिंह तोमर, कैमरामैन अमन उपाध्याय के साथ मुरैना।